हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज कुलदीप एंड आई थिंक मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ टूल। मैंने कहा तो था कि मैं जल्दी बनाऊंगा बट टाइम लग गया, आई वॉज बिजी इन सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है बट कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। सो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल है, मेवन का थर्ड ट्यूटोरियल, और इसमें हम एक्चुअली बात करेंगे मेवन के जो हमारा प्रोजेक्ट बनता है उसे कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और वो कंपोनेंट्स होते हैं आर्च टाइप, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी और वर्जन। तो एक वर्ड पे फाइल खोल लेते हैं पहले। हाँ ठीक है, तो एक सेकंड जरा उसमें बड़ा। हाँ तो आर्च टाइप का मतलब क्या होता है, मैं आर्च टाइप आपको बता देता हूँ। आर्क टाइप या आर्च टाइप आप जो भी बोलें, आप कुछ भी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है किसी की, मैं आर्च टाइप बोलता हूँ, बहुत सारे आप आर्क टाइप सुनेंगे। सो आर्च टाइप में होता क्या है, आर्क टाइप एक टूल किट होता है, ठीक है। वो टूल किट के पास पहले से ही प्री डिफाइंड एक तरह से फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के हिसाब से वो आपको एक टेम्पलेट दे देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने आर्च टाइप में अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, लाइक आर्क टाइप में आपने स्प्रिंग आर्क टाइप दे दिया, मतलब जो आप मेवन प्रोजेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए आर्क टाइप आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग टाइप का आर्क टाइप है, तो वो आपको स्प्रिंग की जो भी डिपेंडेंसीज होंगी अवेलेबल, मतलब उस मतलब जो भी उन्होंने डिफाइन करा होगा टेम्पलेट में, उसकी जो मोस्ट पॉसिबल, ये नहीं कि सब कुछ वो बना के दे देगा, बेसिक जो उसकी मतलब डिपेंडेंसीज है और जो उसकी बेसिक कह सकते हैं प्लगइन की रिक्वायरमेंट है, टेम्पलेट वो आपको वो टेम्पलेट डिक्टो कॉपी करके आपके प्रोजेक्ट में दे देगा। तो आर्क टाइप होता है मीन प्रोजेक्ट आपका किस टाइप का होने वाला है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग टाइप का है तो स्प्रिंग टाइप की डिपेंडेंसी दे देगा, अगर वो जेएसपी टाइप का तो जेएसपी टाइप की दे देगा, सबलेट टाइप का तो सबलेट टाइप की दे देगा। तो आर्क टाइप का मतलब ये है कि वो किस टाइप का आपका आप प्रोजेक्ट है वो आप डिफाइन करेंगे। आप जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे मेवन का, उस प्रोजेक्ट के बनाते वक्त आप ये आर्क टाइप उसे देंगे, वो समझ जाएगा किस तरह का, मतलब मेवन का जो इंजन है वो समझ जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का होने वाला है। तो आपको सबसे बेसिक नेसेसिटीज़ जो होंगी उसकी, वो उसकी वो आपको टेम्पलेट में जो आपको प्रोवाइड करेगा उसके साथ आपको दे देगा, ठीक है। तो आर्क टाइप का ये फंडा हुआ, लिख देता हूँ मैं आर्क टाइप, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर से मतलब आप ये मत समझिएगा कि मतलब उसका जो हमारा पैकेजिंग स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बेसिक टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। चलिए हम टाइप लिख देते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा, टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये आपका आर्क टाइप होता है, ठीक है। आर्क टाइप के बाद आता है कह सकते हैं ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी जब आप देते हैं, ग्रुप आईडी एक ऐसा कह सकते हैं वो एक सिमिलर चीज होती है पैकेजिंग, पैकेज बनाने की। जैसे आप पैकेज बनाते हैं, अगर आप कोई भी आप पैकेज बनाते हैं जावा में, तो आप जैसे पैकेज लिखते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपने यहाँ पे पैकेज बनाया जावा में, तो होता क्या है कि हेलो का एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर वर्ल्ड का फोल्डर बनता है, उसके अंदर एग्जाम्पल का फोल्डर बनता है, ठीक है। तो ऐसे एक स्ट्रक्चरिंग हो जाती है आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है। फिर आप एग्जाम्पल के अंदर जाके अपना मेन फाइल या जो भी फाइल बनाना चाहते हैं वो बना देते हैं हम, ठीक है। तो वो ये चीज़ है। तो जो ग्रुप आईडी है वो भी इसके बिल्कुल सिमिलर ही होती है, ठीक है। तो आर्क टाइप मतलब टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है, ग्रुप आईडी है कि जो आप स्ट्रक्चरिंग कैसे करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपके दोनों फोल्डर्स बनते हैं, मेन वाले भी और टेस्टिंग वाले भी। सोर्स के अंदर मेन आता है और टेस्टिंग आता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मेन जो आपका मेन आप प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, और टेस्ट का फोल्डर बनता है टेस्टिंग के लिए बनता है, ठीक है। मैं आपको भी करके दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। तो आर्क टाइप हो गया, ये मैं यहाँ पे ग्रुप आईडी लिख देता हूँ, थोड़ा समझाने के चलिए यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। इसका मतलब एक्चुअली डिट्टो यही नहीं होता है, बट ये समझाने का तरीका है, ठीक है। तो ग्रुप आईडी, इसके बाद आता है आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी वो चीज़ होती है जो
आपका प्रोजेक्ट का नेम होने वाला है, ठीक है, जिसका नाम से आपका प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, जिस नाम से आपका प्रोजेक्ट बनेगा या कहना चाहिए बिल्ड बनेगा वो होता है आर्टिफैक्ट आईडी, ठीक है। तो जब आप मेवन का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो ये आपको चीज़ें देनी पड़ेंगी उसे, ठीक है। अगर आप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ले लेगा चीज़ों को, और हम वो भी मतलब सही है, वो बेसिक जावा का एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट चीज़ होती है वर्जन। जैसे मैंने आपको बताया था एक बार कि जब आप कोई भी मतलब आप पैकेज ऐसे बनाते हैं, जब अल्टीमेटली तो आप अपनी क्लासेस का कलेक्शन करके सब कुछ मेन फाइल एक जगह रख के जो भी उसकी डिपेंडेंसीज हैं दूसरी भी, चाहे वो पिक्चर्स हो या फिर दूसरी जार्स हो या प्लगइन्स हो या कुछ भी हो, वो सब करके आप पैकेज करते हैं, या तो जार बनाते हैं, ईआर बनाते हैं या वॉर बनाते हैं, ठीक है। वॉर वेब बेस के लिए होता है, ईआर एंटरप्राइज के लिए होता है, जावा के लिए जार बनती है। तो जब भी आप ये सब बनाते हैं तो उन सब का जो बिल्ड बनता है उसका एक वर्जन होता है। रिलीज से पहले आप देखते ना प्रोजेक्ट का बीटा वर्जन है या फिर वर्जन 1. समथिंग, वर्जन 1.2.x समथिंग ऐसे होता है, तो ये वर्जन वैसा ही है। तो एक्चुअली हम काम तो वही कर रहे हैं ना कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट को हम बिल्ड क्रिएट कर रहे हैं और उसको रिलीज के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसके पहले भी तो हम एक वर्जन डिफाइन करेंगे ना, तो ये वर्जन वो वाला है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक यहाँ तक। तो अब हम थोड़ा करके देख लेते हैं एक बार। ये जो मैंने पहले से यहाँ पे अपने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, ये प्रोजेक्ट मैंने मेवन से ही बनाए हैं, ठीक है। ये जो हमने नाम दिए हुए हैं ये एक्चुअली आर्टिफैक्ट आईडी ही हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बार। कमांड प्रॉम्प्ट आपने खोली होगी, कमांड प्रॉम्प्ट जैसे कि मैं यहाँ पे मेवन जावा वाले मतलब आई के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर मेवन जावा फोल्डर में हूँ, वैसे ही आप वहाँ तक मूव कर जाइए, ठीक है। तो मेरा ही आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको मेरी कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो दिख रही है, यहाँ पे ये पहुँचा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो mvn जनरेट डॉट मतलब डॉट नहीं कोलोन archetype, ठीक है, एंटर देंगे तो ये एक्चुअली प्रोसेसिंग अपने शुरू करेगा। काफ़ी टाइम लगेगा आपको ये, क्योंकि जो भी अपने डिपेंडेंसीज हैं, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर भी चाहिए वो सब एक्चुअली डाउनलोड करेगा, ठीक है। नेट आपको कनेक्टेड होना चाहिए, अगर नेट नहीं हुआ तो जो उसकी डिपेंडेंसीज होगी वो डाउनलोड नहीं हो पाएंगी, समझ रहे हैं आप। यहाँ पे आप साथ में भी दे सकते थे, एरर आ गया, एक सेकेंड देखता हूँ मैं क्या है, जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ तो आई थिंक मैंने उल्टी कमांड दे दी थी, सॉरी हो जाता है कोई। मेवन है आर्कटाइप कोलन जनरेट, ठीक है, तो कमांड ये है, तो यहाँ पर हिट करेंगे तो ये थोड़ा, ये मैंने जैसे कहा कि लंबा टाइम लेगा थोड़ा सा, मतलब जो भी आपको डाउनलोडिंग करनी है वो सब करेगा, तो मैं इसलिए अभी तक फिलहाल पॉज कर देता हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूम होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो हम वापस आ चुके हैं एंड ये काफ़ी वेट करना पड़ा, आई थिंक ऑलमोस्ट 4 या 5 मिनट्स हमने वेट करना पड़ा है। तो फिर भी हमारा मतलब जो प्रोसेस है वो काम हो चुका है। तो आप यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि आपको लिखा आ रहा है 1772 रिमोट समथिंग, मतलब जो भी है, ये एक्चुअली इनके आपको नाम ना याद रखने पड़े, इनका ये रेस्पेक्टिव नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आप जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो उसका एक्चुअली आर्क टाइप होगा, ठीक है। अगर आप स्प्रिंग वाला अगर आप ऊपर जाकर स्क्रॉल करें तो आपको नंबर दिखेगा, अब मैं सर्च नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा दे रखा होगा, तो वो जो आपका आर्क टाइप नंबर होगा आप वो लिखें और मतलब टाइप करें, और वो वाला जो प्रोजेक्ट है उस टाइप की टेम्पलेट जो होगी वो आपके प्रोजेक्ट में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ यहाँ पर और मैं एंटर मार देता हूँ, मतलब जो डिफ़ॉल्ट बेसिक जावा का वो मतलब आग टाइप है वो ही बनाने को कह रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं एंटर करता हूँ बिना, जो कि आई थिंक 929 दे रखा है यहाँ पे, आप एंटर कर दीजिए। अब ये पूछ रहा है आपसे वर्जन कौन सा है, तो हम लेटेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्जन के लिए इसे बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं 1.1 के लिए कर देता हूँ और इसमें 6 टाइप चूज और नंबर 6 लिखा रहा बाई डिफ़ॉल्ट, 6 पर एंटर कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं ग्रुप आईडी बताइए, ठीक है। ग्रुप आईडी जैसे मैंने आपको बताया था वो स्ट्रक्चरिंग के लिए काम आता है, काइंड ऑफ लाइक आपका पैकेज ही है, तो ग्रुप आईडी बनाते हैं हम। चलिए
हाँ तो हम ग्रुप आईडी बना रहे थे, तो ग्रुप आईडी बनाने के लिए जैसे मैंने आपको कहा कि एक स्ट्रक्चरिंग है आप, तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक सेकंड में जूम कर लेता हूँ फिर से अगेन। तो ग्रुप आईडी में हम लिख देते हैं कॉम डॉट ट्यूटोरियल चलिए थोड़ा सा ज़्यादा सिंपलिसिटी वाला कर देते हैं, मतलब मज़ा आएगा उसमें, ट्यूटोरियल फॉर मेवन। ठीक है, तो ये मैंने ग्रुप आईडी दी है, इसका मतलब है ये मैंने इसका स्ट्रक्चर दिया है। एक फोल्डर आपका बनेगा ट्यूटोरियल नाम का, उसके अंदर आपका फॉर बनेगा फोल्डर, और उसके अंदर आपका मेवन बनेगा, और उसके अंदर आपका डिफॉल्ट एक वो जावा फाइल बना के दे देगा आपको। ठीक है, आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बट आपको उसको फिर रेस्पेक्टिव Pom.xml में भी आपको ये सब चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, बट ईजी है, कोई टफ नहीं है चीज़, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो हम आप यहाँ पे एंटर दे देते हैं, ग्रुप आईडी आपका डिसाइड हो गया। आर्टिफैक्ट आईडी जैसे मैंने आपको बताया था, आर्टिफैक्ट आईडी वुड बी योर प्रोजेक्ट नेम, तो हम बना देते हैं इसको, चलिए यू ट्यूब ट्यूटोरियल, ये मैंने इसका आर्टिफैक्ट आईडी सर्च कर मतलब सेलेक्ट कर लिया है, तो इस नाम का आपका प्रोजेक्ट बनेगा। एंटर करा, स्नैपशॉट आप क्या कहते हैं, हाँ 1.0 जो का जार फाइल जो बनती है आपकी, वो उसने स्नैपशॉट नाम की एक वो होती है उसमें प्रॉपर्टी, तो 1.0 ही हम रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप एक्लिप्स में कभी करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेटली आगे, तो आपको उसमें चीज़ में समझ में आएगी वो चीज़ थोड़ी सी। आप एंटर मार, यस, ये पूछ रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप आईडी होती है वो एक एनालॉजी होती है पैकेज की ही, उस तरह से पैकेज बनता है, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या कहते हैं डिफाइन वैल्यू फॉर प्रॉपर्टी पैकेज ट्यूटोरियल फॉर मेवन। तो मैंने जैसा आपको कहा ये वो बिल्कुल सेम चीज़ नहीं होती है, वो अलग चीज़ें होती हैं, मैं अभी आपको आता हूँ उस चीज़ पे, बट जो हमने ग्रुप आईडी बनाई है वो पूछ रहा है कि पैकेज भी उसी पे बनना है। हम कहते हैं हाँ यस, आप डिफरेंट भी कर सकते हैं बट सिंपलिसिटी के लिए वही बनाते हैं हम। हमने एंटर कर दिया, अभी पूछ रहा है कि जो जो हमने चीज़ें इसमें बताई है, एक बार उसने हमें रिकन्फर्म करने के लिए पूछेगा कि क्या क्या डाला है हमने, ग्रुप आईडी का डाला, आर्टिफैक्ट आईडी का डाला है, वर्जन का डाला है, पैकेज का डाला है। ठीक है, कन्फर्म करने के लिए आपको यस दबाना पड़ेगा, वाई क्लिक कर दीजिए मतलब टाइप कर दीजिए और एंटर दे दीजिए। अभी ये सारा उसने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो हम जरा एक बार जो हमारा फोल्डर था जहाँ पे मैंने कहा था कि मैं सारे प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, पहले से बनाता आ रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट तक हम नेविगेट भी करके आए हैं यहाँ पे, तो उस फोल्डर पे जाके देखते हैं कि हमारा बना क्या है। आप यहाँ पे आए और आप देखेंगे YouTube ट्यूटोरियल नाम का एक हमारा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, जैसे मैंने कहा था ये हमने आर्टिफैक्ट आईडी कर लेता हूँ कि हमने एक आर्टिफैक्ट आईडी जो हमने नाम दी थी उस नाम से हमारा प्रोजेक्ट बनेगा, तो वही उसी नाम से हमारा प्रोजेक्ट बना है यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा था स्ट्रक्चरिंग क्या है, उस स्ट्रक्चरिंग वो डिपेंड करती है आपकी ग्रुप आईडी पे। बाद में उसने पूछा भी हमसे कि आपका ग्रुप आईडी जो आपने दी है वही आप अपनी क्या कहते हैं स्ट्रक्चर रखना चाहते हैं, तो हमने कहा हाँ ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आप इसके अंदर आप सोर्स देख सकते हैं, सोर्स के अंदर आपके दो फोल्डर होंगे, मेन एक मेन का होगा और टेस्ट का होगा। मेन के अंदर मैंने आपको कहा मेन की सारी चीज़ें होंगी, मतलब कि मतलब जो भी आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उसकी सारी फाइलें होंगी। टेस्ट जो होगा टेस्ट के अंदर आपकी टेस्ट केसेस वगैरह की रिलेटेड फाइलें होंगी, होंगी दोनों के अंदर चीज़ें सेम ही, बट आप डिपेंड करता है कि आप किस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं। जब आप कंपाइल करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, आप टेस्ट करेंगे, ये सब चीज़ें आप किस वाले के अंदर चलाना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट तो दोनों के अंदर होगा, बट आप ये भी बता सकते हैं कि वो एक के अंदर हो, वो सब आप डेफिनेशन pom.xml के अंदर देंगे। ठीक है, अगर आप मेन के अंदर जाएंगे एक बार, जावा के अंदर जाएंगे, ठीक है, ट्यूटोरियल के अंदर फॉर एक सेकेंड, मुझे पावर ऑन करनी पड़ेगी, बैटरी जा रही है। तो मैं कह रहा था कि जैसे हमने बनाया था ट्यूटोरियल फॉर मेवन, आई सपोज हमने बनाया था, देखते हैं, हाँ मेवन जो हमारा स्ट्रक्चर था वो इस टाइप का है, तो इसके अंदर हमारा ये बना है। आप देखेंगे यहाँ पर ये सोर्स के अंदर मेन है, अब उसके अंदर जावा फोल्डर, ठीक है, तो उसके अंदर फॉर ट्यूटोरियल फॉर मेवन जो हमारा पैकेज स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनाया, और एक ऐप डॉट जावा नाम का एक कह सकते हो फाइल बनी हुई है जिसके अंदर सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा होगा। देख लेते हैं एक बार, देख लीजिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसे बदल देंगे, वो उसने एक बाय डिफॉल्ट
पैकेज स्ट्रक्चर बता दिया है। आप जब यहाँ पर वापस जाएंगे, अब आप क्या कहते हैं सोर्स के अंदर देखेंगे और टेस्ट के अंदर जब जाएंगे, टेस्ट के अंदर भी बिल्कुल यही डिट्टो चीज़ें होंगी, बट वो टेस्ट वाले उसके पार्ट के अंदर आ रहा होगा, जैसे हमारे टेस्ट केसेस लिखते हैं उस सब के अंदर यहाँ भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारा आपका पूरा प्रोजेक्ट जो बेसिक है जावा का वो बन गया है, ऐसे बनता है। और pom.xml मैंने आपको बता चुका हूँ, शायद पहले बताया थोड़ा सा, इसके अंदर आपकी डिपेंडेंसीज होती हैं, प्लगइन्स होते हैं कि जो आपको क्या चाहिए। ये एक तरह से जैसे आपके सर्वलेट होती है या जेएसपी होती है, उसके अंदर वेब डिस्क्रिप्टर की जो आपकी एक्सएमएल होती है उसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन होती है। एक्सएमएल का पर्पस ही ये होता है, जैसे आप उसके अंदर डेटा होता है, मतलब डेटा अबाउट डेटा जो बेसिक डेफिनेशन है जो कहते हैं, मेटा डेटा जो कहते हैं लोग, वही एक्चुअली होती है। एक्चुअली डेटा आपका जो ये पूरा प्रोजेक्ट एक तरह से काइंड ऑफ डेटा ही है, और उस डेटा के बारे में इसके अंदर डेटा हम डिफाइन करते हैं कि मतलब ग्रुप आईडी क्या है, आर्टिफैक्ट आईडी क्या है। जैसे जो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर इसने बना के दे दिया है, और आप ग्रुप आईडी इसकी बता रखी है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ट्यूटोरियल फॉर मेवन जो लिखा आ रहा है, ये हमारा ग्रुप आईडी हमने डिफाइन करी थी, और आर्टिफैक्ट आईडी उसके नीचे लिखे आ रही है, तो ये पूरी उसकी डेफिनेशन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये pom.xml से ही सब कुछ काइंड ऑफ होना है। ठीक है, एंड आई थिंक मुझे कुछ और बताना था या नहीं, मैं शायद बताना था बट मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि पॉज करके देख लेता हूँ, सोच लेता हूँ। हाँ, मुझे याद आया, वो जो मैं चीज़ बता रहा था वो इसी से चीज़ से रिलेटेड है जो मैं बताने वाला था आपको, कि जो भी आपका जो प्रोजेक्ट होगा, जब वो आप उसे पैकेज कर लेंगे, वो एक तरह से डिपेंडेंसी टाइप होगी, कोई और इंसान उस प्रोजेक्ट को यूज़ करना चाहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेवन है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, उसके अंदर रिपोर्टिंग होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी प्रोजेक्ट का, उसके अंदर आप सब कुछ लिखते हैं कि वो वर्क कैसे कर रहा है, क्या उसकी क्लासेज हैं, क्या उसकी सब फंक्शनैलिटीज़ हैं, वो सब उसमें आप डिफाइन करते हैं। और यहाँ पर क्या कहते हैं, जब आप ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये खुद एक तरह से दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल होगा, अगर आप रिमोट रिपोजिटरी पे उसे डाल देते हैं तो। ठीक है, अगर आपका ये प्रोजेक्ट अच्छा हुआ, लोगों को पसंद आता है, तो वो आपकी इस जार फाइल को या EAR या वॉर फाइल को अपनी प्रोजेक्ट में एज ए डिपेंडेंसी इंक्लूड कर सकते हैं, और फर्दर ऐसे काम चलता है सारा, मतलब जो भी प्रोजेक्ट बनेंगे वो आपके सारे जार, EAR या वॉर बनेंगे, वो एज ए डिपेंडेंसी काम करेंगे किसी और के लिए, आपने कहीं और से डिपेंडेंसी ली होगी। तो यही ब्यूटी है मेविन की, उसके अंदर हर चीज़ प्लगइन्स और जार्स में ही हम डील करते हैं। ठीक है, तो और ये जो तीन चीज़ें हैं, ये हर एक यूनिक प्रोजेक्ट की, मतलब हर एक प्रोजेक्ट की यूनिक होगी, इस तीनों का कॉम्बिनेशन, ग्रुप आई डी, आर्टिफैक्ट आई डी, वर्जन जो ये है, ये हर प्रोजेक्ट के लिए यूनिक होगी, कि क्लैश नहीं होंगी, ये मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चरिंग बनाने वालों ने ऐसा सोचा है। ठीक है, तो हम भी कोशिश ये करनी है कि हम डिफरेंट रखें, डिफरेंट यूनिक सा नाम सोचें, बट बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये तीनों चीज़ किसी दूसरे प्रोजेक्ट से मैच कर जाए और कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो ये तीनों चीज़ भी डिफरेंट ही होंगी। ठीक है, और आई थिंक आज के लिए काफ़ी है, मैं सोच रहा था कि 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए ये वाला हमारा ट्यूटोरियल, बट मैं कोशिश करता हूँ कुछ ज़्यादा ही समझाने की मुझे लगता है, तो आई थिंक आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, जो नहीं अगर कुछ रह गया होगा तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट करिए, लाइक करिए, जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस करिए, मैं आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चंस विद इन माई पावर्स, एंड इवन इफ आई वोंट बी एबल टू आंसर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सर्च थ्रू द प्रॉब्लम्स एंड लेटर ऑन आई विल डेफिनेटली आंसर, दैट आई एम श्योर अबाउट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, कुछ प्लान करते हैं बढ़िया सा आपको मेवन आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थैंक यू, आपका दोस्त कुलदीप।